नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड से, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर में मध्य प्रदेश दोहरा रहा इतिहास, सिंधिया परिवार के कारण दूसरी बार गिर रही कांग्रेस सरकार। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 53 साल बाद इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। आज से 53 साल पहले 1967 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की वजह से कांग्रेस सत्ता में बेदखल हो गई थी। अब उनके पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से कमलनाथ सरकार सत्ता से बेदखल हो रही है। आपको बता दें कि 1967 में विजयाराजे ने कांग्रेस को अलविदा कहकर लोकसभा चुनाव स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर लड़ा और जीत दर्ज की। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा से राज्यसभा में जाने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ था और डीपी मिश्रा मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बाद में कांग्रेस के 36 विधायकों ने विजयाराजे के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की और विपक्ष से जा मिले। डीपी मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा था। अब एक बार फिर से वही पटकथा लिखी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 22 कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा स्वीकार करते ही कमलनाथ सरकार विधानसभा में अल्पमत में आ जाएगी। आपको बता दें कि ऐसे में भाजपा कमलनाथ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और कमलनाथ सरकार गिर जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने मानी हार। अधीर रंजन चौधरी बोले, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार नहीं बच पाएगी। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी ड्रामा चल रहा है। कमलनाथ सरकार संकट में गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 22 कांग्रेस विधायकों ने विधायकी के साथ साथ कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। सिंधिया ने भी कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक शाम तक सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सिंधिया के इस्तीफे पर लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस पार्टी ने इतना दिया है उससे बेईमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पार्टी का नुकसान हुआ है और लगता है कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बच पाएगी। अधीर रंजन ने सिंधिया के इस फैसले को पार्टी के साथ गद्दारी करार दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर बुआ यशोधरा सिंधिया ने जताई खुशी, बोली यह उनकी घर वापसी। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर उनकी बुआ और भारतीय जनता पार्टी की नेता यशोधरा सिंधिया ने खुशी जाहिर की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच उन्होंने कहा कि यह उनकी घर वापसी है, मैं काफी खुश हूं और उन्हें बधाई देती हूं। यशोधरा सिंधिया ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया ने जनसंघ में रहते हुए उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हो रही थी। जी, आपको बता दें कि उनकी बुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी खुश हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि अब राष्ट्र हित में साथ मिलकर काम करेंगे। वह अगली बड़ी खबर, खरीद फरोख्त से बचाने के लिए बीजेपी चार्टर प्लेन से अपने 106 विधायकों को लाएगी दिल्ली। जी, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का संकट बढ़ता जा रहा है। आज बीजेपी की विधायक दल की बैठक के बाद तय किया गया है कि कांग्रेस बीजेपी विधायकों पर डोरे डाल सकती है। ऐसी सूरत में विधायकों को एकजुट रखने के लिए बीजेपी के सभी विधायकों को भोपाल से बाहर किसी स्थान पर रखा जाएगा। बीजेपी चार्टर प्लेन से 106 विधायक दिल्ली लाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि ये सभी विधायक दिल्ली या गुरुग्राम के होटल में ठहराए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 22 विधायक अभी तक अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल को भेज चुके हैं। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। मध्य प्रदेश में इस सियासी उठापटक के बीच अब बीजेपी को अपने विधायकों को बचा के रखना होगा और यही वजह है कि बीजेपी अपने सभी विधायकों को लेकर मध्य प्रदेश से बाहर दिल्ली लेकर आ रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश बीजेपी के 106 विधायकों को दिल्ली या गुरुग्राम के होटल में ठहराया जाएगा। इसके बाद जरूरत हुई तो इन विधायकों को बेंगलुरु या देहरादून अहमदाबाद भी ले जाया सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपने विधायकों को भोपाल से दिल्ली लाने के लिए स्पाइस जेट कंपनी का बड़ा विमान किराए पर लिया है। सभी विधायक एक ही विमान से दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में विधायकों को बताया गया है कि उनकी प्राथमिकता राज्यसभा का चुनाव है। कमलनाथ सरकार का गिरना तय है क्योंकि उनके पास अब बहुमत नहीं बचा है, इसलिए हमें एकजुट रहकर सबसे पहले राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को वोट करना है। वह अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा निर्वाचित कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने में लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सियासी संकट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कांग्रेस की निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि पीएमओ, जब आप एक निर्वाचित कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने में व्यस्त हो, वैश्विक तेल की कीमतों में 35% की कमी दर्ज की गई है और आप इसे नोटिस करने में चूक गए होंगे,
क्या आप भारतीयों को कच्चे तेल में रेट की कमी का फायदा देंगे और पेट्रोल का दाम 60 रुपए से नीचे लाएंगे। कल ही राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। वह अगली बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद ट्विटर पर ट्रेंड होने लगे सचिन पायलट। यूजर बोले, अमित शाह हैं तो सब संभव है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। गद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ साथ उनके खेमे के 22 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई है। मध्य प्रदेश का असर ट्विटर पर भी दिखने लगा है। अचानक से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ट्रेंड होने लगे हैं। ट्विटर यूजर उनके बारे में तरह तरह का कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ट्विटर पर लोग मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम के बाद तरह तरह के कयास लगाने लगे हैं। इस बात की चर्चा हो रही है कि अगला नंबर सचिन पायलट का हो सकता है। ट्विटर ट्रेंडिंग में सचिन पायलट काफी देर तक पहले नंबर पर रहे। ज्ञात हो कि राजस्थान में सरकार बनने से पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मनमुटाव की खबर बाहर निकल आई। आपको बता दें कि एक ट्विटर यूजर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि अमित शाह हैं तो सब संभव है, अगला नंबर अब सचिन पायलट का ही है। वह अगली बड़ी खबर, आज बीजेपी में शामिल हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोदी सरकार में बने मंत्री। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस में बगावत करने के बाद अब आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। सूत्रों के मुताबिक दोपहर को बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदस्यता ले ली। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय में मौजूद रहे। ऐसी अटकलें हैं कि उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया जा सकता है और उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। सिंधिया ने कल ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। यही नहीं, सिंधिया के खेमे के 22 विधायकों ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला किया, जिससे कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ का दावा है कि सदन में बहुमत साबित करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में दो सीटें फिलहाल रिक्त हैं। ऐसे में 228 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास मामूली बहुमत है। अगर 22 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाते हैं तो विधानसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या महज 206 रह जाएगी। इस स्थिति में बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा सिर्फ 104 का रह जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के पास सिर्फ 92 विधायक रह जाएंगे, जबकि बीजेपी के 107 विधायक हैं। कांग्रेस को 4 निर्दलियों, बसपा के 2 और सपा के 1 विधायक का समर्थन हासिल है। उनके समर्थन के बावजूद कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से दूर हो जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, पेंटिंग मामले में भाजपा ने प्रियंका गांधी को घेरा। कहा, जहां भ्रष्टाचार है वहीं कांग्रेस पार्टी है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी पेंटिंग यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को 2 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि में बेच दी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि जहां भ्रष्टाचार है वहीं कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने दावा किया कि प्रियंका गांधी ने जो पेंटिंग राणा कपूर को बेची वह 1985 में तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को MF हुसैन द्वारा भेंट की गई थी। पात्रा ने कहा कि MF हुसैन का पेंटिंग की दुनिया में जो स्थान था, कांग्रेस का भ्रष्टाचार में वही स्थान है। अगर भ्रष्टाचार एक कला है तो कांग्रेस इसकी कलाकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस पूरे मामले की जांच की मांग करती है। उन्होंने दावा किया कि जिस पेंटिंग को प्रियंका गांधी ने राणा कपूर को बेचा था उसे 1985 में MF हुसैन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कांग्रेस के शताब्दी वर्ष पर उपहार में दिया था। पात्रा ने कहा कि भाजपा मांग करती है कि प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा पेंटिंग की बिक्री से जुड़े पूरे प्रकरण की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें जो पैसा कपूर के खाते से मिला था वह आपराधिक तरीके से हासिल किया गया था। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय को उनके पास से 44 महंगी पेंटिंग मिली थी। इन पेंटिंगों में एक को कपूर ने प्रियंका गांधी वाड्रा से खरीदा था। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस संबंध में कहा था कि यह सौदा पारदर्शी था, क्योंकि 2 करोड़ रुपए का भुगतान प्रियंका गांधी ने कपूर से चेक के माध्यम से प्राप्त किया था और उनके आयकर रिटर्न में परिलिखित हुआ था। वह अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में युवा ब्रिगेड से किसी ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं रोका। फिर सामने आया पीढ़ी का टकराव। दरअसल आपको बता दें कि खास बात यह है कि सिंधिया ने अपना इस्तीफा 9 मार्च को ही लिख दिया था और आज उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस ने भी देर न करते हुए 20 मिनट में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश के 22 कांग्रेस विधायकों ने अपने इस्तीफे के साथ ग्रुप फोटो भेज दिया, जिसने कमलनाथ सरकार की
मुश्किलें बढ़ाने का काम किया। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर जारी गुटबाजी और शीर्ष नेतृत्व की उदासीनता को दिखाने का काम किया। पिछले कई सालों से पार्टी के अंदर पीढ़ीगत टकराव चल रहा है, जिसकी गाहे बगाहे झलक दिखती रहती है। वहीं जिस समय देश में नागरिकता कानून NRC को लेकर बहस जारी है, उस समय एक अहम नेता के इस्तीफे से विपक्षी पार्टी को जोर का झटका लगना स्वाभाविक है। सिंधिया बेशक धीरे धीरे कांग्रेस से दूरी बना रहे थे, लेकिन उन्हें पार्टी में राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। वह 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए नजर आए थे। इनकी इच्छाओं के साथ सामंजस्य बैठाने और उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति से अलग करने का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस में इस तरह की सुगबुगाहट है कि कई बड़े नेता और युवा नेताओं की आकांक्षाओं को दरकिनार करते हुए उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सहयोगी के तौर पर काम करने के लिए कहा जाता है। सिंधिया ने सोनिया गांधी को लिखे त्याग पत्र में लिखा है कि उनके लिए मध्य प्रदेश और देश की जनता की सेवा करना मुश्किल हो गया है और पिछले कुछ सालों में यह रास्ता अपने आप बना है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की युवा ब्रिगेड के महत्वपूर्ण नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे पर पार्टी के युवा नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। वहीं मौसम अपडेट। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। पंजाब में भी काफी व्यापक बारिश हो सकती है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें गिरने के आसार हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। असम और अरुणाचल प्रदेश में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। केरल में भी कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी का भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।